आर यू ओके? आर यू ओके? यस मैम। सो क्या प्रॉब्लम है आपकी सर? मैम, कुछ दिनों से मेरे दिमाग में एक ही आवाज घूम रही है। मैं ना ढंग से सो पा रहा हूं, ना कहीं जा पा रहा हूं। दिन रात मुझे वही आवाज सुनाई दे रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बता सकते हैं आपको कैसे आवाज सुनाई दे रही है? एक आवाज नहीं, मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही है, एक नहीं है, और सब एक ही चीज बोल रही है। सर क्या एक चीज क्या सुनाई दे रहा है आपको? कैसी आवाजें हैं आपके दिमाग में? मैं सब आवाजें बस एक ही चीज कह रही है कि एल्विश तेरा बाप, पानी तो इन्हें ये लीजिए, पानी पीजिए। कब से सुनाई दे रही है आपको ये आवाजें? मैम उस दिन से। किस दिन से? मैंने तो बस कमेंट में लिखा था कि एल्विश का कंटेंट बेकार है और वो अनफनी है। फिर क्या? फिर मेरे रिप्लाई में सब लिखने लग गए, एल्विश तेरा बाप है। हर कॉल में मुझे यही सुनाई दे रहा था, हर टेक्स्ट मैसेज मुझे यही आ रहा था कि एल्विश मेरा बाप है। मैम ये कैसे हो सकता है कि एल्विश मेरा बाप हो? मेरी माँ की चॉइस इतनी खराब नहीं हो सकती मैम, नहीं हो सकती। आदरणीय व्यूअर, आज मैं ब्रह्मांड का सबसे कठिन कार्य करने जा रहा हूँ। यह कार्य कठिन इसलिए है क्योंकि जब जब किसी ने एल्विश पे वीडियो बनाई है तब तब कमेंट सेक्शन में ऑडियंस की लिटरेसी रेट साफ नजर आई है। मैं पहले से अत्यंत भयभीत हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे काफी ज्यादा नीच शब्दों का प्रयोग देखने को मिल सकता है और मुझे काफी ज्यादा नफरत भी देखने को मिलेगी। पर वो कहते हैं ना, उस व्यक्ति से कोई नफरत नहीं कर सकता जो व्यक्ति स्वयं को लैंडी समझता हो। अब देखिए, एल्विश यादव मेरे पड़ोस के अंकल का वो लड़का तो है नहीं जिससे मुझे आए दिन कंपेयर करा जाता हो और मेरा मन करता हो कि मैं उसको और उसके घर वालों को जानते मार दूं। तो मेरी एल्विश से तो कोई दुश्मनी है नहीं, वो तो बस एल्विश भैया ट्रेंड में और मेरे को व्यूज चाहिए। तो ओ शिट, मैंने गमले बाहर रखे, छोड़ दिए। रुको। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. लोगे तुम्हें पता क्या करना है, मैंने आईडी मेंशन कर रहा हूँ उसकी ना, बात खत्म। उसकी माँ गाली बको बहन, तो ऐसा कर दो अकाउंट उड़ा दो उसका। एक काम करो, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, उड़ा दो। तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एल्विश यादव के बारे में। एल्विश यादव की वीडियोस 4K में अवेलेबल हैं, पर कोई इसे बताओ कि वीडियो क्वालिटी बढ़ाने से वीडियो क्वालिटी नहीं बढ़ती। पता है ये वीडियो कभी वायरल नहीं हो सकती क्योंकि एल्विश की ऑडियंस में डेटा पैक अभी रिशु की वीडियो खत्म करने में लगा है। एल्विश पैक 12th में 94% आए थे। 12th में 94% आए यार, मेरे अभी एग्जाम्स खत्म हुए थे और कसम से ज्यादा अच्छे नहीं गए, तो मैं सोच ही रहा था कि घर वालों को ऐसा क्या बोलूं कि वो समझ जाए मार्क्स डजंट मैटर। अब एल्विश भाई की वीडियो दिखा दूंगा, अपने पिछवाड़े में उंगली डाल के सेम पेंच बोलने वाले एल्विश यादव की वीडियो स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए क्योंकि फिर वो सोचेंगे क्या फायदा पढ़ने का। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको गुरुग्राम में खुले नए कूड़ेदान एल्विश यादव पर। एल्विश की स्क्रिप्ट लिखने के लिए आपको चाहिए -humor, गंदे जोक्स, लिटिल मिसोजिनिसी और बकवास राइटिंग। क्या मतलब मैं क्वालिफाइड हूँ एल्विश की स्क्रिप्ट लिखने के लिए? जो एल्विश लिखता है अगर वो जोक्स हैं तो डेंग ऋषु गजलें लिखता है। चलो लेट मी शो यू सम क्वालिटी कंटेंट ऑफ एल्विश यादव व्हिच हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट क्वालिटी एंड कंटेंट। कौन है भैया ये? वो लड़कियां मॉडल्स लड़कियां, मुझे लगा लड़के हैं।
पर ये लड़के लड़कियों से क्यों लग रहे भाई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चेक करवाओ फटाफट, खोलो और चेक करवाओ भाई। देख लो कुछ ले दे के बात बनती हो तो। क्या ही दे दोगे तुम मोह है, मेरो ले लो ना है। देखो डबल मीनिंग जोक्स मारना पाप नहीं है, मारो खूब मारो, पर वीडियो में उसकी सवा भी तो कुछ मार लो। अबे यार एल्विस के जोक्स की एक खासियत है कि उसके डबल मीनिंग जोक्स भी डबल मीनिंग नहीं होते, बल्कि उनके कोई मीनिंग ही नहीं होते। लेकिन फिर भी यार जैसा मर्जी हो, हमें क्या लेना देना, इन दोनों की अपनी लाइफ है दोनों। अबे देना तो क्या है, मुझे तो भाई लेना है। एल्विस भाई आपकी वीडियोस देखने के बाद तो मुझे भी लेना है। पांचवी फ्लोर से जंप। एल्विस ने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, पर वो खुद यूथ को क्या नॉलेज देता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं क्यों बताऊं, एबीपी न्यूज का रिपोर्टर हूं मैं या तुम्हारी माँ मेरे को दहेज में लेके आई थी? अब नु बता बेटे कौन सी बियर चक्का आएगा। अब मैं पीऊंगा ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा एक मेरे पास है तो सही, पता झेल लेगा तो उसे निकालू बाहर। तेरे पास चल झेल लूंगा, झेल लूंगा। पक्की बात है? पक्की बात। आजा बेटे ब्लैक कोबरा मेरे बाहर आजा। उसे निकाल रहा है। देखो तुम्हें अगर इस टाइम पे एल्विस की जोक्स फनी लगते हैं, 4-5 साल बाद एल्विस की वीडियोस तुम खुद जाके देखना, तुम्हें समझ आएगा कि डबल मीनिंग जोक्स हंसाने वाले नहीं होते, बल्कि वो बस एक मुखौटा होता है जो अनफनी लोग यूज करते हैं अपने आप को कॉमेडी किंग दिखाने के लिए। अबे मैंने कब डबल मीनिंग जोक्स मारे यार। शब्द का ब्रांड एम्बेसडर एल्विस यादव को टिकटॉक बना के टिकटॉक क्रिटिसाइज करता है। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। तो तुमको ये करना, तुमको ना ये वाला होटा ना, ये वाला होटा ना ऊपर करके ना बकचोदी झाड़नी। एक बच्ची को बचाने के लिए इतने सारे लोगों की बैंड बजा दी, ये कहानी उसी बच्ची की। वो कागज तू ने चोरी किया ना। चलो तुम एल्विस की कोई भी वीडियो उठा लो, उसमें एल्विस ने इतने डबल मीनिंग जोक्स मारे होंगे जितना यूपी के पति अपने पत्नी। भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है तुम्हारे भाई ने जिम स्टार्ट कर दिया, डोले भी आ रहे होंगे, डोले दिखा दे सामने, ठीक है ना? तो क्यों आए हैं डोले, तुम्हें पता क्यों आए हैं? क्योंकि तुम्हारा भाई हेल्दी खाता है और अपनी हेल्दी स्नैकिंग में मैंने एक नई चीज ऐड करी। आओ भाई ये है मस्त चीज, तो ये है वाओ लाइफ साइंस का क्रंची सुपर सीड्स पीनट बटर। गरी पीनट बटर खाकर ऐसी बॉडी बननी है तो रहने ही देते हैं। तेरे पेट में ट्यूशन वाले राजू का बच्चा है, तुझे पता है चाय यहां से रावण का रूप मारी फेवरेट रात प्यार का तो पैदा देख। तुम में से कुछ लोग बोलेंगे एल्विस की पुरानी वीडियोस पे क्या कमेंट कर रहा, अब एल्विस बदल चुका है, आओ तुम्हें तुम्हारे बदले एल्विस से मिलवाता। तो इस वीडियो के एंड में एक लड़की एल्विस को गोली मार देती है, पर जियो के 99 रुपए वाले पैक को EMI पे पढ़वाने वाले लड़के ये नहीं समझ पाए ये सिर्फ एक वीडियो थी। कमेंट्स में लोग लड़कियों को और खासकर उस लड़की को गाली दे रहे हैं। वेल गेंड ऑडियंस एल्विस भाई, बीच में मेरा खुन्नस चढ़ गई थी कि मैं इनके सारे सबके ऊपर फॉर्च्यूनर उतार के ना मार दूं। अरे एल्विस भाई मैं तो मजाक कर रहा था, ये देखो मैंने तो स्क्रिप्ट भी फाड़ दी है। काहे की वीडियो भाई, मैं बनकर इस कंटेंट बॉडीगार्ड को आया बड़ा ऋषि का लेगेसी कंटिन्यूअर। एल्विस की वीडियोस में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना नॉर्मल है। आई लव मिल्क यार, मैं दूध पीता हूं, मेरी शिकल तो ना लग रहा है? दूध एल्विस की वीडियोस में लड़कियों को माल से डिनोट करना नॉर्मल है। अपुनीत हाँ तूने ये मंजू भेज रखी है ना 7,000 रुपए में एल्विस के पास, हाँ मुझे इससे भी करारा माल चाहिए यार। और अब आते हैं सेगमेंट के सबसे मेन पार्ट पर। श्रेया चड्ढा इंस्टाग्राम रील्स क्रिएटर हैं जिनकी रील्स फैशन और ब्यूटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक दिन एल्विस भाई को उनकी रील मिल गई तो उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ अभी जो हम रील देख रहे थे भाई, उसमें एक छोरी ने ट्रांजिशन ट्रांजिशन करी, छोरी ने कपड़े पहन रखे थे, ट्रांजिशन करके कपड़े उतार दिए, सारे बच्चे डोल रहे हैं, गाइस गलती हो गई। उसने कपड़े वापस पहन लिए भाई, दिखाइयो मत ही दिखा छोड़ फेमस हो जाए। अभी भी देख ले, उसी की देख रहा, खुश होकर देख ले। अरे बदनामी क्या है इसमें भाई, उसने भी तो पब्लिक उस पर डाल रखी है, हमने पब्लिक उस पर डाल रहे हैं, दिखाने एक बार ये बात होगी। चल भाई भाईचारा खत्म कर दे, छोरी पीछे ठीक है भाई, दिखा दे। देखो मैं मानता हूँ ये वीडियो पब्लिकली पड़ी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे स्टोरी पर लगा के कुछ लड़कों के साथ बैठ के उस लड़की को ऑब्जेक्टिफाई करो। सारे बच्चे डोल रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब एल्विस ने ऑनलाइन बुलिंग की हो। इससे पहले कुशा कपिला जो कि फैशन एडिटर एंड कॉमेडियन है, उनके किसी वीडियो पर एल्विस यादव ने रिएक्ट किया। डू यू थिंक इट्स ओके टू से थोड़ा 1-2 किलो गेन हो गया ना?
They are my kilos. These are my kilos. मैं बड़ू घटू तुम्हें क्या है? तो ऐसा तो होगा नहीं कि रोड पे चल रही है और किसी दूर से आदमी ने रुक्का मार दिया, ओए मैडम तेरे 2 किलो बढ़ गए। भाई तो गलत क्या है, मैं खुद देख रहा हूँ ये अभी होते हुए। सारे बच्चे डोल रहे हैं। अबे तो सुन, मैंने पहना नीला कलर का कच्चा है, मैंने पहना नीले कलर का कच्चा है, ऊपर वाला सच्चा है। और बेटा तेरे से तो कुछ ना होगा, अपनी बंदी से जाके पूछ, उसके पेट में मेरा बच्चा है। एलविश भाई तू खुद डिलीट कर रहा है चैनल, या मैं यूट्यूब से ट्यूटोरियल भेजूं तुझे? फिर ये लोग गैंग बना के बुली करते हैं एलविश, लक्ष्य और सम्राट। लक्ष्य भाई अपना रोस्ट वोस्ट देखा क्या? ये सब मिलके किसी को पकड़ते हैं, जैसे कि कुशा कपिला को पकड़ा था, उसपे बहुत सारी वीडियोस बना के दबा के हेट देते हैं। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ मैंने वीडियो बनाई थी कमेंट क्रिएटर पे। हाँ फेमिनिज्म पे ना? हाँ 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 देखा था। तो उनमें से एक बेचारी भड़क गई, कुशा कपिला, मेरे लिए स्टोरी डाली उसने परसों। फिर मैंने सोचा मैं तो चलो थोड़ी बहुत जलन हो जाएगी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस मैटर को खींचना हो तो मिल के सारे खींच सकते हैं, इसका बीफ बना गए, नहीं तो इसको बैन से फिर इग्नोर ही करें। सारे मतलब कौन कौन है भाई? देख अगर हम सारे आ जा रहे, मैं हो गया, तू हो गया, ठीक है, ये इधर सम्राट हो गया, ज्ञानी हो गया, और इधर वेदांत को एक बार बोल दें, ठीक है, तो अगर हम 4-5 मेन बंदे वीडियो डाल दें तो बाकी तो पलटन पीछे की छोटी छोटी सारी आ जाएंगी। और इस मैटर को कोई एक शुरू करेगा और शाम को कवर करवा गए इस बात को न्यूज व्यूज में, उसके बाद सारे आ जाएंगे फटाफट फटाफट वीडियो वीडियो वीडियो, इससे कि उनको काउंटर मारने का मिलेगा चांस। यहाँ पे हम वुमेन और मैन बीच में नहीं ला सकते कि ऑडियंस इतनी रिलेटेड है कि वो ध्यान नहीं देती। जैसे वो देखती है मेरे पापा यूट्यूबर ने किसी पे वीडियो बनाई है, चलो जल्दी से जाके हेट देता। और वैसे भी मैं कितना ही सही गलत बोल लूं, बट कमेंट में एट द एंड गाली तो मुझे पढ़नी ही है। तुम्हारे सामने 3 दरवाजे, पहले दरवाजे के अंदर है रशियन, रशियन, और दूसरे दरवाजे के अंदर है अफ्रीकन, और तीसरे दरवाजे के अंदर है पैसा। अब इन तीनों दरवाजे में से तुम कौन से दरवाजे का चुनोगे? मैं बेसमेंट की खिड़की से छलांग लगा दूं, चुप करा दूं। तो वैसे तो मुझे पता है तुम्हें ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी, बट कोई मैच्योर बंदा समझ गया हो कि ये सब जोक्स थे। और मैं किसी को हेट नहीं करता, ना एलिफ यादव को ना किसी को। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दो, भीख भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि ऐसे भी बहुत है देश के पॉलिटिक्स में बेकार।